नमस्कार, आप देख रहे नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। अगली खबर झारखंड से। रांची में केंद्रीय कृषि कानूनों और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के विरोध में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं रैली के दौरान झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित कांग्रेस जेएमएम सहित महागठबंधन के नेता, विधायक और मंत्री मौजूद रहे। सरकार वैसे षड्यंत्रकारियों को सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, ये हम बताना चाहते हैं इस जनाक्रोश रैली से। साथ साथ ये जनाक्रोश रैली जो है भारत सरकार को चेतावनी देना चाहती है। देखिए, हमने जो क्रय केंद्र खोले हैं, पिछले बार जो उन्होंने क्रय केंद्र खोला था उससे ज़्यादा है कि नहीं, आप उस पर जाके देखें। स्थिति कोरोना की है, लोग गाइडलाइंस हैं, घरों से निकलने में अभी भी लोगों को असुविधा है, तो इसको लेकर। लेकिन हमने जो टारगेट दिया वो टारगेट हर हाल में हम पूरा करेंगे। तो इस खबर की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से फोन लाइन पे कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है, देश भर में भी किसान जो है कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। रांची में आज जो है जन आक्रोश रैली निकाली गई, क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आया है? देखिए, यहां पर जन आक्रोश रैली सिर्फ कृषि कानून को लेकर ही नहीं था। जिस तरीके से 5 जनवरी को मुख्यमंत्री के काफिले को किशोरगंज में रोका गया और उसके बाद डाइवर्ट करके उनको पहुंचाया गया, तो उस समय मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि मुझे पता ही नहीं जिस तरह से मेरा कारपेट चलता है, मुझे घर में जाकर बाद में पता चला कि मेरे काफिले को रोका गया था। तो उसको लेकर के लगभग 1 महीने हो गए, 1 महीने बाद उस जन आक्रोश रैली निकाला गया कृषि कानून को लेकर के, कि जिस तरह से 75 दिन से दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार बात नहीं सुन रही है, सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगता है। ये यहाँ के जो कृषि मंत्री है लगातार वहाँ दौरा कर चुके हैं, वहाँ पर 31 जनवरी को पहुंचे भी थे, सिंधु बॉर्डर पर जाकर किसानों का हाल चाल जाना था, जो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं। इनका लगातार अभी झारखंड में भी ट्रैक्टर रैली से तमाम रैली यहाँ पर निकाला जा चुका है। आज भी कुछ ट्रैक्टर वहाँ पर मौजूद थे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि झारखंड सरकार का अगला पड़ाव क्या है किसानों के हक में? आज जन आक्रोश रैली निकाली गई, अब अगला पड़ाव क्या है किसानों के हक के लिए, वो क्या कुछ करने वाली है झारखंड सरकार? देखिए, झारखंड सरकार अब जिले जिले मुख्यालय में जा करके किसानों के लिए प्रदर्शन करेगी और उसके बाद जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होता है तब तक ये आंदोलन करती रहेगी हर जगह। ऐसे ही जैसे आज वहां पर जन आक्रोश रैली हुआ, अब इनका अगला पड़ाव है कि हर जिले में जाकर, हर मुख्यालय में जाकर इसी तरह किसानों से वार्ता करेंगे, किसानों के साथ जुड़ेंगे और उनको बताएंगे कि इस कृषि कानून में क्या खामियां हैं और इसको वापस करने के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ने की बात कही जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।